नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। बिहार का चुनाव जो है, दूसरे चरण का चुनाव जो है 3 नवंबर को होने हैं। उस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है समस्तीपुर में एक संबोधन कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तस्वीर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है। लोग इस तरह से प्रधानमंत्री को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं कि अब जो है लग रहा है कि लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद जुमलाबाज प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने इस तरह का सहकारा था, लोगों को लग रहा था कि डेवलपमेंट विकास आएगा, इस तरह की चीज़ सामने नहीं आ रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहे हैं, मगर जिस तरह से कोरोना काल में और उसके बाद हिंदुस्तान की GDP -23% चली गई है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत सारे लोग नाखुश हैं और उनके पास नाखुश होने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। अब आपको बता दें कि कल जो है 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के सभी व्यक्ति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का 145वां जन्म दिवस मनाया। तो 145वां जन्म दिवस मनाने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर अपने जो है आबाई वतन, या आप कह सकते हैं कि होम टाउन जो गुजरात है, होम स्टेट है, वहाँ गए हुए थे। 2 दिन के वो जो है टूर पे थे और वहाँ जाने के बाद जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है गुजरात में, वहाँ पर वो थे। और उसी बीच जो है वो वहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी थी, वहाँ पर जो गार्डन्स था उनका, वो वहाँ घूमे, उन्होंने दौरा किया, वहाँ के नेचर से भी मुलाकात की और कोशिश की कि पैरोट से बात किया जाए। एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है कि जिससे जो है सफारी जंगल में जो है वो जाते हैं और वहाँ पर एक पैरोट को अपने जो है बाजू पर लाने की, अपने हाथ पर लाने की कोशिश करते हैं, मगर पैरोट जो है वो आता नहीं है और पैरोट भागना। फिर उसके बाद एक जो वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पैरोट को लाकर प्रधानमंत्री के हाथ पर रखा जाए, मगर उसके बावजूद वो जो है पैरोट जो है प्रधानमंत्री के हाथ पर नहीं आता है। और फिर बहुत प्रयास के बाद बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री के हाथ पर वो पैरोट आके बैठता है। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल हो गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से ट्रोल किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के बाद ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोज़गारी पर बात कीजिए, और बेरोज़गारी पर बात करने के बाद जो है अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए। अब आपको बताते हैं कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरा पर थे, आज तो वो बिहार में है, मगर कल और परसों, मतलब बीते कल और बीते परसों जब वो गुजरात में थे, तो उन्होंने जो है 17 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है वहाँ किया। उसके बाद जो है एकता मॉल हो गया, आरोग्य वैन हो गया, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क हो गया, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और जंगल सफारी था, इन सब जगहों पर प्रधानमंत्री ने खुद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। तो सफारी जंगल में जो है पैरोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए मिले, बर्ड सेंचुरी में मिले, तो जिस तरह की चीज़ें चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना पक्षियों से प्रेम करते हैं, नेचर लवर है, मगर पक्षी प्रधानमंत्री के हाथ पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो शेयर हो रहा है और लोग प्रधानमंत्री को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। शायद जो लोग भी प्रधानमंत्री को नहीं पसंद कर रहे होंगे या उनको ऐसा लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री विफल हो गए, तो उन लोगों ने जमकर ट्रोल किया। कुछ लोगों ने जो है ट्विटर पर कुछ चीज़ें लिखी है, अब बताते हैं कि क्या लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुतल्लिक और उनका आक्रोश, उनका गुस्सा किस तरह से जो है सामने नज़र आया। पहला जो है निशांत लिखते हैं अपने पेज से कि इन मूर्खों के पास अर्थव्यवस्था, कोरोना और चीन से जुड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर कोई जवाब नहीं, ऐसे में वो भी ऐसे बेवजह की चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि कह रहे हैं निशांत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जो है मूर्ख बता रहे हैं अर्थव्यवस्था, कोरोना और चीन से जुड़े समस्याओं को लेकर लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, जवाब नहीं, ऐसे में वो भी ऐसी बेवजह चीज़ें कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ऐसी बेवजह चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद जय हिंद अकाउंट से लिखा है कि देश कोरोना, बेरोज़गारी, भुखमरी, गरीबी, लाचारी से मर रहा है, खुद को झूठा प्रधान सेवक कहने वाला फोटोशूट के मौज ले रहा है, कहाँ गए 18 घंटे के काम, नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जो खुद के मौज में व्यस्त हो, कभी बेरोजगारी गरीबी पर बात नहीं होती है इनसे। आप फिर उसके बाद जो शनाया लिखती हैं अपने अकाउंट से, मोदी जी के 3 प्रकार के लोग हरा सकते हैं, पहला लालची हिंदू, दूसरा लालची हिंदू और तीसरा दोगले हिंदू, ये जो है शनाया लिखती है। शायद मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति लिखते हैं अपने पेट से कि पायरेट्स ऑफ इंडिया समटाइम्स आर टूरिस्ट गाइड, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो। उसके बाद कोमल बोहरा लिखते हैं कि सर वट आर यू टॉकिंग विद द बर्ड्स, यानी कि आप चिड़िया से क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद प्राउड से
सर्कुलर से लिखा जाता है कि जंगल में पक्षी विहार, चिड़िया देखने वाले का ये प्रसन्न करेगा। बर्ड सेंचुरी परीक्षणों को प्राकृतिक वातावरण देखना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं कि ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए, यानी प्राउड सेकुलर ये लिखते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हुआ था और लोकसभा इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद जो है वो चले गए थे श्राइन में, केदारनाथ श्राइन में, जिसके बाद उनका जो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ था। वैसे एक चीज़ और है कि कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री का एक वीडियो और एक फोटो जो है मोर को दाने खिलाते भी वायरल हुआ था, तो उस पर भी लोगों ने अपनी अपनी बातें करी थी, टिप्पणी दी थी। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि जहां पर जो है देश कोरोना काल से बिहार में इलेक्शन हो रहा है, सारे जगह पे आप जो है फ्रांस में फिर से जो है कोरोना का लॉकडाउन लगा दिया गया और प्रधानमंत्री जो है चिड़ियों के साथ बिजी नज़र आ रहे हैं। मैं रजा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।